आयतुल कुर्सी कुरान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली आयत मानी जाती है। इस आयत में अल्लाह की महानता, उनकी शक्ति और उनके संपूर्ण ब्रह्मांड पर प्रभुत्व का वर्णन किया गया है। इसे पढ़ने से कई आध्यात्मिक लाभ और सुरक्षा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि इसे पढ़ने से इंसान को बुरी ताकतों, जादू टोने, जिन्नात और अन्य हानिकारक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। कई लोग इसे सोने से पहले पढ़ते हैं या जब वे किसी डर या खतरे का अनुभव करते हैं। यह आयत अल्लाह की महानता और उनकी संपूर्ण सृष्टि पर अधिकार को उजागर करती है, जिससे इंसान का ईमान और अल्लाह पर भरोसा और मजबूत होता है। शैतान से सुरक्षा। आयतुल कुर्सी को शैतान से सुरक्षा का एक मजबूत साधन माना जाता है। इसे पढ़ने से शैतान दूर भागता है और इंसान को मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। बरकत। इसे रोज पढ़ने से घर और कामकाज में बरकत होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। आयतुल कुर्सी अल्लाह के ज्ञान और शक्ति का बखान करती है और इसे पढ़ने से इंसान को सही मार्गदर्शन और समझ प्राप्त होती है। आयतुल कुर्सी की नियमित तिलावत से इंसान को अल्लाह की रहमतें मिलती हैं और वह हर प्रकार की परेशानियों से महफूज रहता है। आयतुल कुर्सी पढ़ने के कई आध्यात्मिक लाभ माने जाते हैं, जिनमें रिज्क, रोजी और बीमारियों से राहत भी शामिल है। इस आयत को पढ़ने से इंसान को अल्लाह की सुरक्षा, बरकत और रहमत प्राप्त होती है। इसका असर जीवन के हर पहलू पर होता है, चाहे वह मानसिक, शारीरिक या आर्थिक हो। ऐसा माना जाता है कि जो लोग नियमित रूप से आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, उनके घर और कामकाज में बरकत होती है। अल्लाह उनके रिज्क, रोजी में वृद्धि करता है और आर्थिक तंगी से राहत देता है। यह आयत अल्लाह की अनंत शक्तियों और नियंत्रण का वर्णन करती है, जिससे व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है कि अल्लाह उसकी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने से इंसान को अल्लाह की तरफ से ऐसी अनदेखी मदद मिलती है जो उसकी रोजी रोटी और समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होती है। आयतुल कुर्सी को बीमारियों से सुरक्षा और राहत के लिए भी पढ़ा जाता है। यह माना जाता है कि इसे पढ़ने से शारीरिक और मानसिक बीमारियों से राहत मिलती है। लोग बीमारियों से बचाव के लिए इसे नियमित रूप से पढ़ते हैं और अल्लाह से शिफा, स्वास्थ्य की दुआ करते हैं। यह आयत इंसान को शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करती है। इसे पढ़ने से अल्लाह की रहमत से बीमारियों का इलाज होता है और इंसान पर बुरी ताकतों का असर नहीं होता। आयतुल कुर्सी को ईमानदारी और विश्वास के साथ पढ़ने से इंसान को अल्लाह की अनगिनत रहमतें मिलती हैं, चाहे वह रोजी की तंगी हो या बीमारी का दर्द। अल्लाह की मदद और सुरक्षा हमेशा साथ रहती है। आयतुल कुर्सी पढ़ने से पहले वुजू, अल्प स्नान कर लें ताकि आप शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हों। किबला की ओर मुंह करें। पढ़ते समय किबला, मक्का की दिशा की ओर मुंह करना अच्छा माना जाता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। आप इसे किसी भी दिशा में बैठकर पढ़ सकते हैं। दिल की हाजिरी। आयतुल कुर्सी को ध्यान और श्रद्धा के साथ पढ़ें। इसे पढ़ते समय दिल और मन को अल्लाह की महानता और उनकी सुरक्षा में विश्वास से भर लें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्यु वल कय्यूम ला ताखुधुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फी लस्समावाति वमा फी अल अर्ध मन ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه للسماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.